हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्टे ऑर्डर के बारे में जानकारी लेंगे। स्टे ऑर्डर हम सबको पता होता है, स्टे क्या होता है। स्टे बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जो हम सबको पता है, और उसमें कोर्ट में अगर कोई केस दाखिल के कर हो रहा है, सिविल सूट वगैरह दाखिल या अपील दाखिल हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले स्टे की रिक्वेस्ट की जाती है, स्टे की प्रेयर की जाती है। तो क्या होता है, क्या मतलब है उसका, प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर क्या होता है, प्रॉपर्टी के निर्माण पर स्थगन आदेश कैसे होता है, स्टे ऑर्डर स्टे कैसे होता है, प्रॉपर्टी पर अदालत से स्टे ऑर्डर प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। कानून में स्थगन आदेश का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अस्थायी रूप से अदालत के आदेश के माध्यम से एक न्यायिक कार्यवाही को रोकने का काम होता है आदेश, ये स्टे। जैसे या कोई वहाँ पर अगर कोई काम हो रहा है लेकिन किसी पर अन्याय हो रहा है, तो वो अगर जिस पे अन्याय हुआ हुआ है, जिसके साथ में इनजस्टिस हुआ है ऐसा लगता है उसे, या उसका काम उसको नुकसान हो रहा है, तो वो अगर कोर्ट में आता है, केस दाखिल करता है, तो और रोकने के काम रोकने के लिए अगर प्रेयर करता है, अगर न्यायालय को लगता है कि ये उचित है, सच में इनजस्टिस हो रहा है इसके साथ में, तो अगले जो पक्ष है जिसके बारे में ये केस दाखिल हो रहा है, उसके आने तक वो काम को रोक लगा दी जा सकती है। स्थगन एक मामले के निलंबन या एक मामले के भीतर एक विशेष कार्यवाही में निलंबन है। न्यायालय एक पक्ष के अनुरोध पर या उसके बिना भी ये स्टे जारी कर सकता है, स्टे ऑर्डर। न्यायालय एक पक्ष के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकते हैं। स्थगन आदेश का मतलब है कि जिस काम पर रोक लगा दी गई है, स्थगन आदेश पारित होने की स्थिति से यानी जिस दिन से वो स्टे ऑर्डर पारित हो गया, स्टे ऑर्डर किया गया है कोर्ट से, उस दिन से वो काम ऑपरेटिव नहीं होगा, उसको रोक लगा दी जाती है। और इसका मतलब यह नहीं है कि आदेश अस्तित्व से बाहर है, कार्यवाही पर पूरी तरह से या सशर्त रूप से रोक लगा दी जा सकती है। उसमें कंडीशंस भी हो सकती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन से कंडीशन पर वो रोक लगा दी गई है या नहीं, उसके बारे में उसमें विवरण होता है। अदालत निज शक्तियों के अस्थायी रूप से किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा सकती है जहाँ अदालत के किसी भी वैध आदेश का पालन नहीं किया गया है। अदालत के आदेश, अदालत जो आदेश दे सकती है और अस्थायी विशेषाज्ञा प्रावधान कर सकती है, इस तरह के कृत्य को नियंत्रित करने के लिए, या अन्य आदेश दे सकती है, प्रॉपर्टी की बिक्री हटाने या हानिकारक गतिविधि को रोकने के लिए, निपटारे तक या अगले आदेश तक। जैसे कि एक केस दाखिल हुआ है और पहले ही उसमें प्रेयर की गई है या जो हानिकारक है या इसे हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसे रोक दिया जाए, तो उसे रोकने के अगर आदेश हुए हैं, तो ये आदेश जो है अगले आदेश तक भी हो सकते हैं, अगला पक्ष कोर्ट में पेश होने तक भी हो सकते हैं, ये स्टेटस को यानी जैसी है स्थिति वैसी स्थिति में रहा जाए ऐसा भी हो सकता है, या वो अगर एप्लीकेशन पूरा डिसाइड हो रहा है दोनों पक्ष को सामने आने के बाद में, कोर्ट में पेश होने के रिजल्ट होने के बाद में, अगर ऑन मेरिट अगर डिसाइड हो रहा है एप्लीकेशन, तो ये केस पूरा निपटारा होने तक भी आदेश हो सकते हैं। आमतौर पर स्थगन आदेश का मतलब न्यायालय द्वारा एक आदेश को जारी करके किसी कार्य को कार्य करने से रोकने के लिए होता है। अर्थात यदि न्यायालय ने किसी कार्य के लिए कोई स्थगन आदेश या स्टे ऑर्डर जारी किया दिया गया है, तो वह कार्य वहीं पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिस स्थिति में उस कार्य को किया जा रहा था। यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था न्यायालय के इस स्टे ऑर्डर का पालन नहीं करती है, तो उस पर कानूनी तरीके से मुकदमा दायर किया जा सकता है और सजा भी दी जा सकती है। जैसे पहले ही कहा कि अगर स्टेटस को यानी दोनों पार्टी अगर पहले एक पार्टी अगर कोर्ट में आती है और केस दाखिल करके बोलती है कि मुझे इससे बहुत नुकसान हो रहा है, ये काम रोकना चाहिए, इनजस्टिस हो रहा है मेरे साथ में, अगर न्यायालय को उचित लगता है, तो दूसरा पक्ष कोर्ट में आने तक उसको स्टेटस को यानी जैसे स्थिति में वैसे स्थिति में दोनों पार्टी रहने देना चाहिए,
वो अपियरेंस तक और स्टे हो सकता है। और दोनों पार्टी अगर दोनों प्रेजेंट रहते हैं, उसके बाद में जो नोटिस भेजा जाता है दूसरे पक्ष को, और दोनों पक्ष अगर कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद में जब वो एप्लीकेशन ऑन मेरिट डिसाइड होता है, तो सशर्त या फिर बिनशर्त वो एप्लीकेशन डिसाइड जो होता है वो एग्जिबिट 5 भी बोला जाता है उससे। तो वो जो उसको रोक लगा दी जाती है या फिर स्टे ऑर्डर दिया जाता है, उसका पालन ना करने पर दूसरा मुकदमा दायर हो सकता है जिसने उसका कंटेम्प्ट किया, डिसोबिडेंस किया है, और उसमें सजा का भी प्रावधान है। वो सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में सब दिया गया है। एक न्यायालय एक पक्ष के अनुरोध पर या उसके बिना भी स्थगन आदेश जारी कर सकते हैं। न्यायालय खुद भी एक पक्ष के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भी स्थगन आदेश जारी कर सकती है। इसमें एक और बात बता दूं, सिविल प्रोसीजर कोड में जो है ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अनुसार, जैसे सिविल केसेस में स्टे ऑर्डर के लिए प्रेयर की जा सकती है, और अपील में भी ऑर्डर 41 रूल 5 के अनुसार ऑर्डर उसमें प्रेयर की जा सकती है। और जो डिसोबीडियंस है, जैसे कि उसका स्टे ऑर्डर का पालन नहीं किया है, तो ऑर्डर 39 रूल 2A के अनुसार उसमें अगर डिसोबीडियंस हुआ है, और अगर उसका प्रूफ मिलता है अगर उसमें दायर के मुकदमे में जो केस दाखिल होता है, तो उसमें सजा भी हो सकती है। तो ये था स्टे ऑर्डर के बारे में सब जानकारी। थैंक यू।